हेलो दोस्तों, बाई सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम एनालिसिस करेंगे, सिल्वर, कॉपर, जिंक सभी का लाइव ट्रेड टेस्टिंग करेंगे। और कल हमने एक सिग्नल आपको दिया था एचडीएफसी बैंक के अंदर, अगर आपको देखना है तो कल का वीडियो देख लीजिए। हमने यहाँ बोला था कि ये सिग्नल अगर गलत है तो आप सीट नंबर 2 के अंदर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो समथिंग यहाँ पहुंचा था मार्केट और हमने बोला था कि बाई सिग्नल जनरेट हो चुका है और आप बाई कर सकते हैं। मार्केट करीब हम यहाँ था 87 पर और तब मैंने अपलोड कर दिया था वीडियो और उसके बाद यहाँ तक मार्केट गया है, 98 का हाई लगा दिया। तो हमारा एचडीएफसी का जो सिग्नल था हमने आपको दिया था वो सक्सेस हो गया है। अगर नए क्लाइंट है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसकी इसी तरह आपका अगर प्रॉफिट हो जाए तो आप उसमें काम कर सकते हैं। हम कोई वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको मिल जाए और आप उसमें काम कर सकते हैं। आज हमारा सेल सिग्नल आया है, जनरेट हुआ है, सेल कंफर्म है। अगर यहां से नहीं है तो सीट नंबर 2 में भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सीट नंबर 2 में भी देखिए तो सभी कंडीशन अप्लाई हो गया है। यहां सभी राउंड रेड है, यहां भी रेड है, यहां भी रेड है, यहां भी रेड है और यहां नीचे की तरफ भी रेड है। और यहां देखते हैं तो यहां भी सभी के सभी रेड हो चुके हैं। तो आप इस सिग्नल मैंने जो कि लेट में अपलोड किया है फिर भी अभी सेल में चल रहा है, ठीक है, तो इसमें आप काम कर सकते हैं। दूसरी बात बतानी थी नए सॉफ्टवेयर के अंदर कि अगर यहाँ बाई सिग्नल है तो बाई के पहले अपर साइड ट्रायंगल था, मतलब कि कंफर्म था। यहाँ उसने बोला कि होल्ड करिए और यहाँ उसने एग्जिट करवाया। शायद कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ एग्जिट ना आए, सेल आ गया डायरेक्टली, तो नो डोंट वरी, आप सेल अगर नहीं आता है तो सीट नंबर 2 में एक कंफर्मेशन एरो नहीं आया है तो सेल आते पर उस पर सीट नंबर 2 में देखना है। सीट नंबर 2 में देखते हैं तो देखिए तो यहाँ ऑलरेडी सेल बन चुका है, वो भी कंफर्म वाला है, क्योंकि देखिए सभी के सभी कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। तो आप इसमें काम कर सकते हैं। अगर यहाँ वेरिफिकेशन कॉल नहीं आया, ये डाउन ट्रेंगल नहीं आया है तो यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। और अभी देखिए तो 2 बार उसने, 3 बार उसने होल्ड करवा दिया। अभी लाइव मार्केट में भी बोल रहा है कि कंटिन्यू पोजीशन होल्ड करिए, देखिए ये लाइव ट्रेंगल आया है। दूसरी देखते हैं तो जिंक के अंदर देख लेते हैं। जिंक के अंदर बाई सिग्नल चल रहा था, उसने यहाँ एग्जिट करवाया, सेल सिग्नल दिया, 2 बार होल्ड करवाया। अब कोई कोई क्लाइंट बोलता है इतना सारा मूवमेंट हो गया, ऊपर हो गया, तो कि उसमें ये आपने यहाँ बाई नहीं दिया। तो आपको अगर इसके अंदर काम करना है तो मैं बोलता हूँ कि अगर यहाँ ट्रेड कर दिया उसके बाद आप सीट नंबर 2 के अंदर जाकर उसको आपको देख लीजिए कैसे करना है इसके अंदर काम। तो यहाँ देखिए सीट नंबर 2 में जाना है। सीट नंबर 2 के अंदर देखते हैं तो यहाँ से उसने बोला है कि अपर साइड ट्रायंगल डाला, तो आप यहाँ से काम करिए और थोड़े पॉइंट लेकर आइए, 1-2 पॉइंट लेकर निकल जाइए, उसमें ज़्यादा रुकना नहीं है। जैसे कि कंडीशन भी सेट कर लीजिएगा, ग्रेन 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 ग्रेन, आप यहाँ से 1-2 पॉइंट लेकर तुरंत निकल जाइए। ये जिंक का है, जिंक में 76 में इसमें 1 पॉइंट लेकर ही निकलना है। अगर कॉपर होता है तो 2 पॉइंट लेकर निकल जाना है, जैसे कि आप 1-2 पॉइंट लेकर निकल जाइए। अब नया सिग्नल का अगर फिर से वो डाउन ट्रेंगल डालता है तो फिर से सेल में बैठ जाए, ठीक है। नया कोई टेस्टिंग करते हैं जैसे कि सिल्वर, तो सिल्वर के अंदर तो जो मैंने बता दिया है। दूसरा हम करने वाले थे कॉपर का, कॉपर का निकालते हैं। तो कॉपर के अंदर मैं लास्ट 5 या 6 डे का मैं आपको परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। बाई था, कंफर्म था, बहुत ऊपर चला। अब यहाँ देखिए, ये मुझे आपको बताना था, सेल आया है पर कंफर्म नहीं आया है। तो मैंने बोला कि अगर सिग्नल जनरेट होता है तो सीट नंबर 2 में वेरिफिकेशन कर लीजिए। सीट नंबर 2 में देखते हैं तो सीट नंबर 2 के अंदर देखिए सभी के सभी कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। यहाँ सेल रेड कलर है, यहाँ भी रेड है, यहाँ भी रेड है, सभी के सभी राउंड भी रेड है और रेड डॉट है। तो मतलब कि आप यहाँ अगर सेल नहीं कंफर्म आया है तो आप यहाँ से काम कर सकते हैं। अब आगे देखिए तो वहाँ भी उसने कंटिन्यू बोल दिया है, कंटिन्यू रुकिए। अब यहाँ बाई आया है, कंफर्म है, काम करिए, बाद में बोल रहा है होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए। और यहाँ देखते हैं इस सेल के अंदर गलत सेल आया है, तो मैंने बोला गलत सेल आया है तो आप सीट नंबर 2 में वेरिफिकेशन करिए। तो यहाँ देखिए कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही है, सिर्फ 2 कंडीशन मैच हो रही है, तो मतलब कि आपको सेल में काम नहीं करना है। देखिए यहाँ ग्रीन है, यहाँ भी ग्रीन है, यहाँ भी ग्रीन है, तो आप इस सेल में काम नहीं कर सकते, आप काम मत करिए, कंटिन्यू रहेगा। अगर यहाँ बाई आया है तो कंटिन्यू बाई में बनना
बाई बन चुका है, ऑलरेडी बाई ही है। अगर ये बाई कंडीशन नहीं, यहाँ अगर अपसाइड एरो नहीं आता है तो सीट नंबर टू देखिए, तो यहाँ देखिए सभी के सभी कंडीशन ऑलरेडी डन है, तो आप इसमें कंटिन्यू रख सकते हैं। अभी देखिए तो अभी एक सेल सिग्नल जनरेट हो चुका है, सेल पर क्लिक करें, अगर गलत सिग्नल है तो अब मैं आपको बोलूँगा कि सीट नंबर टू को अंदर जाकर देख लीजिए। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ से आपको कंडीशन अप्लाई हो चुकी है, आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए तो सभी के सभी राउंड डाउन है, रेड है, ये डॉट रेड है, सभी राउंड रेड है, रेड रेड रेड, और नीचे की साइड भी रेड। तो आप इस सेल के अंदर काम करिए, अभी सिग्नल लाइव है, और कल इसका फिर से मैं अपलोड करूँगा कि क्या है इसका परफॉर्मेंस। अभी बजा है 1:45 और लाइव का लाइव ट्रेड है, कल देखेंगे कि इसमें क्या परफॉर्मेंस रहेगा। अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि 1 आवर का कंटिन्यू लाइव दिखाइए, तो लाइव में क्या करेंगे, जैसे कि मैंने कल ऑलरेडी HDFC के अंदर सेल सिग्नल आपको बाय सिग्नल सॉरी दिया था, तो बाय के अंदर अगर मैं कंटिन्यू यहाँ रखता तो 2 आवर का वीडियो बन जाता, तो मैं जो लाइव था वहाँ से दिखा दूंगा। बाद में एक ऐसे ही चलता है मार्केट, तो 1-2 घंटे का हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो आप सिग्नल देख लीजिए। जैसे कि अभी मैंने बताया है कॉपर के अंदर सेल सिग्नल जनरेट हो चुका है, आप अब कल मैं इसका फिर से रिव्यू बताऊंगा कि कैसे काम हुआ, कैसे मार्केट चला, ठीक है। तो अगर कोई दूसरे वीडियो की ज़रूरत है तो आप हमें कॉल करिए या फिर मैसेज करिए, हम उसका वीडियो बना देंगे। और प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।